मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप वाले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर इंदौर में FIR दर्ज हो गई है। एक ट्वीट से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस नेता अरुण यादव के खिलाफ ये FIR दर्ज कराई गई है। इससे एक दिन पहले भाजपा नेताओं ने प्रियंका गांधी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी थी। MP में सारा घमासान प्रियंका गांधी के ट्वीट से मचा है। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के ट्विटर हैंडल से एक अखबार की खबर को पोस्ट करते हुए लिखा था कि मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। उन्होंने कर्नाटक चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि कर्नाटक में भ्रष्ट BJP सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में BJP भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया, अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली BJP सरकार को सत्ता से हटाएगी। इस एक ट्वीट के बाद से प्रदेश में घमासान तो मचा ही था। इसके बाद भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के स्थानीय इकाई के संयोजक निमेश पाठक ने थाने में ज्ञापन दिया कि ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर कथित रूप से फर्जी पत्र वायरल है, जिसमें ठेकेदारों से 50% कमीशन मांगे जाने की बात कही गई है। इसके खिलाफ उन्होंने इंदौर थाने में FIR दर्ज की। उन्होंने बताया कि FIR भारतीय दंड विधान की धारा 420 धोखाधड़ी और धारा 469 के अधिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से जालसाजी के तहत दर्ज की गई है। पाठक का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार में शामिल होने के झूठे आरोप वाले भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर प्रदेश सरकार और उनकी पार्टी की छवि खराब की है। निमेश पाठक ने मीडिया से बात भी की और बताया, यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं प्रियंका गांधी, कमलनाथ, अरुण यादव व कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल्स के सभी जिला पदाधिकारी पूरे प्रदेश के, उनके विरुद्ध यहाँ पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आवेदन देने आए हैं। हमारी शिकायत है कि विगत दिनांक 25 जुलाई का एक पत्र कांग्रेस द्वारा सुनियोजित तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और उस पत्र में यह आरोप लगाया जा रहा है, किसी ज्ञानेंद्र अवस्थी के नाम से वो पत्र है, मध्य प्रदेश लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ के नाम से, जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोई भी काम कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट, जो ये काम करते हैं पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स, बिना 50% के कमीशन के नहीं होते हैं। वास्तविकता में ऐसा कोई ज्ञानेंद्र अवस्थी नामक व्यक्ति नहीं है और न ही ऐसा कोई संघ अस्तित्व में है। लोग आते हैं, हमने उनसे पता किया, ज्ञानेंद्र अवस्थी के बारे में भी पता किया और आज हमारी जो कंप्लेंट है उसके अंदर भी हमने ये स्पष्ट तौर पर लिखा है क्यों, और संदेह इसलिए भी उत्पन्न होता है कि 25 जुलाई का पत्र है, अगर कोई ज्ञानेंद्र अवस्थी होता, कोई ऐसा संघ होता तो अभी तक कांग्रेस उसको लाके और BCO प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी होती। अभी क्या आरोप है? शिकायत दर्ज कराने के बाद अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पुलिस से संबंधित ट्विटर हैंडल की प्रमाणिकता की जांच कर रही है। वहीं SP राजेश सिंह चंदेल ने कहा कि विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में ग्वालियर में एक मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने मीडिया से बात की और बताया, शहर BJP के पदाधिकारी लोग यहां पर उपस्थित हुए थे, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें लेख किया गया है कि कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा सोशल मीडिया में कुछ भ्रामक जानकारियां डाली जा रही हैं और कुछ फेक जानकारियों के कारण और हमारे लोग बदनाम हो रहे हैं, तो उसकी जांच की जाए। उस पर से जी हाँ, जिनके द्वारा मतलब ये ऐसी ऐसी सोशल मीडिया में जो पोस्ट डाली गई है या ऐसे कुछ तथ्य लोगों के बीच में प्रस्तुत किए गए हैं और उनकी जानकारी जुटाई जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये उसमें कांग्रेस की पदाधिकारी प्रियंका गांधी भी हैं और भी कुछ लोगों की जानकारी दी गई है, कोई ज्ञानेंद्र नाम के व्यक्ति की भी जानकारी दी गई है कि उसके द्वारा भी कुछ जानकारी डाली गई है, वो सारे तथ्य तलाशे जा रहे हैं और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। इस सबके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप सही बताते हुए प्रदेश की BJP सरकार पर, शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर एक बार फिर से हमला बोल दिया। उन्होंने कहा, देखिए भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी BJP? अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा? फर्जी होए सही होए ये सब खड़े हुए लोगों से पूछ लीजिए, ये एक पत्र क्या 100-200 पत्र आपको बता दें। आज प्रधानमंत्री कह रहे थे सागर 100 करोड़ के स्मारक का भूमि पूजन करेंगे, 100 करोड़ के स्मारक का। आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी को आज सब कुछ याद आने लगा, संत रविदास याद आने लगे, सब कुछ याद आने लगा, ये तो हालत है। पर वो सोचते हैं कि वो जनता का ध्यान मोड़ पाएंगे, वो सोचते हैं कि जनता को फिर से गुमराह कर पाएंगे, पर मध्य प्रदेश के मतदाता ने अब तय कर लिया है
कि बड़े प्यार से शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।